नव उदारीकरण क्या है? नव उदारीकरण यही है कि बकरिया मेमियाने जाता है भेड़िया के पास, अब भेड़िया कहते हैं हम बहुत उदारवादी हैं, आप हमको खा जाइए, यही है नव उदारवाद। नव उदारवाद क्या किया, देखते देखते इस देश की जो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। आप देखे हो तोरा गांव बरात आवे हो तो लस्सी नहीं देल जाए छे, ओकरा आप रू आप जाक सब शरबत नहीं पिलाएल जाए छे, आप की छे भाई ठंडा मतलब कोका कोला मार बोतल जे छे मुंह लगाए के लोग छे अपना आप सलमान खान बुझ रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो कंपनी है जिसने हमारी स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया, उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उस पर निर्भर करने वाले जो परिवार थे वो आज पूरी तरीके से आर्थिक संकट के शिकार हो चुके हैं। पहले हमारे दिमाग में यह बात भरी गई प्राइवेट स्कूल खूब बढ़िया, सरकारी स्कूल में पढ़ाए नहीं कुछ। अब बेगूसराय जिला में जत्ते नामी गिरामी लोग होलखिन जिनका पर तुम्हें फक्र महसूस करे हो वो जो दुनिया भर में अपन नाम कलखिन वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े थे। आपके गांव के रामशरण बाबू हो, सिमरिया के रामधारी सिंह दिनकर हो, मेरे गांव के रामचैतर बाबू और चंद्रशेखर बाबू हो, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े थे। तो क्या इन लोगों के पास बुद्धि नहीं थी, इन लोगों के पास ज्ञान नहीं था? ये हमारे दिमाग में डाला गया, जैसे हमारे दिमाग में ये डाला गया कि घर के बीज खराब हो छे, उस खेती को पूरी तरीके से हम लोग बदल दिए, डीएपी यूरिया इतना खाए हैं कि आज के डेट में कम उम्र में ही बुझे तो गाँव कहियो सुनो चिन्नी की बीमारी आए घरे घर पूछबो चाय छी कहो चिन्नियो छ नहीं पीबा शुगर भै गल हाय भाई शुगर भै गल घरे घर शुगर पेशेंट काहे भाई खाद की समस्या के चलते। हम जो जो उपजा रहे हैं उसमें जो हम डाल रहे हैं जो कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरीके से हमने पेड़ों को काट दिया, लोग होशियार देखो कल के फ्रीजियन गाय खरीद के ले लिए पंजाब से 32 सिर दूध दे छे खूब बढ़िया, और फ्रीजियन गाय खातिर पंखा लगे का और खूर में गोबर नहीं लगे खातिर ईंटा लगा दिल का। अरे गाय माल छिके वो रहते माटि में तभी ये ठीक रहते, ओकरा ईंटा पर रखना शुरू करखिन ओकरा खूरे में घा हो जाए छे, नया तरह के समस्या उत्पन्न भए गेलै कि समस्या छे कि नहीं छे? नई नई तरह की जो है परिस्थितियों से हम जूझते जा रहे हैं, घिरते जा रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दुष्चक्र में फंस चुके हैं। हमारे दिमाग में जो हमारी चीजें थी उसको लेकर के यह भर दिया गया कि यह अच्छा नहीं है, और जो बाजार की तरफ से हमारे घर में घुसाया जा रहा था वो बहुत अच्छा है। हमार बाबू वैलेंटाइन डे कहियो नहीं मनेल का, हमारा माय बहुत प्यार करे थे। आज का लोग की लगे छे वैलेंटाइन डे में अगर आई लव यू नहीं कह लिए तो प्यार नहीं होने, हर चीज को बाजार के ऊपर निर्भर कर दिया गया है। हमारे पास भी अपनी एक स्वावलंबी व्यवस्था थी, उसमें समस्याएं थी, उसमें कमियां थी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो पूरे तरीके से ठीक था, लेकिन जिस तरीके से हमने उसको पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया है उसी का नतीजा है खास करके 1990 के बाद से कि आज हम 2019 में ये राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। हमारे दिमाग में ये भर दी गई कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है तो कथिल वैशाली पकड़ के हम समझाए छो इलाज करवे ला, जेकरा कहीं इलाज नहीं ठीक से हो छे कल के बेगूसराय देखलिए हो पटनों देखलिए ठीक नहीं होले लोग कहलके एकरा एम्स ले जाओ, तो एम्स सरकारी नहीं छे? एम्स सरकारी छे कि नहीं? जब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं तब हम लोगों को एम्स की याद आती है। ये हमारे दिमाग में भर दी गई और ये इसलिए हमारे दिमाग में भर दिया गया ताकि आपके पास जो आपकी मेहनत की खून पसीने की कमाई है उसको कैसे उस पर डाका डाल दिया जा सके, कैसे उसको चोरी बेईमानी कर लिया जा सके। और आपके सामने में आपका स्कूल तबाह हो गया, आपका अस्पताल तबाह हो गया, आपकी सड़कें टूट गई, आपका जो है बिजली का निजीकरण कर दिया गया, आपके सामने में जो ट्रेन गुजरती है उसको बेचने की तैयारी की जा रही है, बीएसएनएल बेच दिया गया है,
और ये सब हमको एहसास ही नहीं हुआ कि ये हमारा है, इससे हमारा संबंध काट दिया गया, समाज को और विद्यालय को आपस में अलग कर दिया गया। और मैं इस बेगूसराय जिला का उदाहरण आपको देता हूं, मोहनपुर का जो मिडिल स्कूल है वो किसी प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा है, वो तो सरकारी स्कूल है। वहां के लोग जब उस स्कूल को ठीक करने के लिए एकजुट हो गए तो आज बेगूसराय जिला में वो मिडिल स्कूल किसी भी सरकारी स्कूल से भी बेहतर है और किसी भी प्राइवेट स्कूल को भी मात देने में सक्षम है वो स्कूल। तो मिडिल स्कूल तो आपके गांव में भी है, कौन पंचायत में मिडिल स्कूल नहीं है। शिक्षा हमारा मुद्दा होना चाहिए। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का दूसरा उद्देश्य ये है कि इन मुद्दों की पहचान करके समाज में जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, हजारों सैकड़ों तरह की समस्याएं लोगों की हैं, उन नई समस्याओं को पहचान करके नई तरह की कार्य योजना का निर्माण हम कैसे करें। दूसरा यह है कि शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समाज के संबंध को हम फिर से मजबूत कैसे बनाएं, इस पे हमको कार्य योजना बनाना पड़ेगा। तीसरी बात, इसी कार्य योजना के तहत जो सरकारी योजनाओं में धांधली है, पूरा का पूरा जो कमीशन खोरी का व्यवस्था बना दिया गया है, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए तब आपको घूस लगेगा, इंदिरा आवास लेने जाइए तब आपको घूस लगेगा, वृद्धा पेंशन लेने जाइए तब घूस लगेगा, अपना शौचालय बना करके अप्रूवल कराने के लिए जाइए तब आपको घूस लगेगा, मुखिया जी भैया जी गोतिया जी इंजीनियर जी ओवरसियर जी, पूरे का पूरा जो है कमीशन खोरी की व्यवस्था कर दी गई है। इस पे अगर हम नहीं सवाल उठाएंगे तो कौन सवाल उठाएंगे। इन चीजों पे हमको मुखर होकर के बोलने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के हमारे मन में वैचारिक अस्पष्टता की आवश्यकता है। पहला ये कि धर्म के जाल में, धर्म के ट्रैप में हम लोगों को फंसने का जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म का जो यह झगड़ा है, धर्म की जो ये बहस है, दरअसल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। इस देश में किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा पुराना है धर्म। एक बात हमको सोच करके बताइए, कोई भी पार्टी हो, अरे कम्युनिस्ट पार्टी बनी 1925 में, राम जी पैदा हुए सतयुग में, बीजेपी बनी 1980 में, राम जी पैदा हुए सतयुग में। तो हमारी जो राजनीतिक लड़ाई है वो धर्म के लिए नहीं है, क्योंकि धर्म लोगों का व्यक्तिगत मसला है। जो मंदिर जाना चाहता है मंदिर जाए, जो मस्जिद जाना चाहता है मस्जिद जाए, जो गुरुद्वारा जाना चाहता है गुरुद्वारा जाए, जिसको चर्च जाना है चर्च जाए, कोई बौद्ध विहार घूम करके आए, जिसको जो धर्म मानना है वो माने, ये उसका संवैधानिक अधिकार है, ये उसका निजी उसका व्यक्तिगत मसला है। धर्म के इस झगड़े में, धर्म की इस लड़ाई में, धर्म के इस राजनीतिक विवाद में हमको पड़ने की जरूरत नहीं है। जब भी धर्म का कोई बखेड़ा खड़ा किया जाए, सीधे तौर पे हम लोगों को उसमें उलझने की बजाय बुनियादी सवालों पे बात करने की आदत डालनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक बहस चाय की दुकान पे, बस में, ट्रेन में, खेत में, खलिहान में, ऑफिस में, कोर्ट में, बाजार में, कहीं भी ये बहस शुरू हो तो सीधे तौर पे हम लोगों को अपने आप को उससे अलग करना चाहिए, क्योंकि धर्म का जो यह पूरा का पूरा बवाल आज इस देश में खड़ा किया गया है वो इसीलिए खड़ा किया गया है, वो जादू वाला खेला देख नहीं हो वो सब लोग बरौनी स्टेशन बगल में तो खेल देखे हो वो, तो गिली पम पम छू कर तो गिली 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 जी देखे रहो वहां तुम सिक्का बदल लेता, वो कागज उठा के ओकरा छै तोरा रुपया बना देता, तो बुद्धि लगे वो तुरंत सोच ले वो आए जादूगर साहेब तो कागज से जब रुपया बना सके छो तो जादू खत्म क्या के झोला झोली फैला के हमरा से रुपया कथी मांगे छो, थोड़े सादा कागज दे दे छो रुपया बना ली है। इसको आप तर्कपूर्ण तरीके से सोच सकते हैं ना, उसी तरीके से आप धार्मिक सवालों को भी तर्कपूर्ण तरीके से सोच सकते हैं। एक, इस्लाम को मानने वाले लोग ये जानते हैं ना कि अल्लाह जो है वो सबसे ताकतवर है, तो कर लेंगे, आप कहां परेशान हो रहे हैं। आप इसके लिए परेशान होइए ना कि आपको शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, आपके मोहल्ले में जो नाली है उसके ऊपर ढक्कन क्यों नहीं है, उसमें डेंगू का मच्छर क्यों हो रहा है,
आपके लिए तो ये सवाल होना चाहिए ना कि आप पढ़ लिख लिए, आपके पास नौकरी क्यों नहीं है। आपके लिए ये सवाल होना चाहिए ना कि आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे सुरक्षित हो सके। जो राम को मानने वाले हैं, राम जी आज हुए हैं क्या भारत में? फिर राम जी पहले भी थे, हमारे बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी के पहले, पता नहीं कितने बाबूजी के पहले भी राम थे। हमारे जीवन का सवाल ये नहीं है कि राम जी का जीवन कैसे बेहतर होगा, हमारे जीवन का सवाल यह है कि राम जी को मानने वाले जो इस देश के आम लोग हैं उनका जीवन कैसे बेहतर होगा। उन सवालों में फंसने के बजाय हमको इस पे विचार करना पड़ेगा कि लोगों को, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि होने के बाद और जब नहीं हुआ था तब आपके जीवन में उसमें क्या बदलाव आया है? क्या अगर आप चाय की दुकान चला रहे थे तो आप होटल के मालिक हो गए हैं? अब आपका चाय का टोकरी नहीं रहा है, अब आप युवराज होटल के मालिक बन गए हैं? क्या आप इंजीनियरिंग बन करके, इंजीनियरिंग करके अपनी नौकरी जो ढूंढ रहे थे तो आपको नौकरी मिल गई और आप कंपनी के सीईओ बन गए हैं? आपके जीवन की जो रोज बरोज की समस्याएं थी उस समस्याओं पे इसका क्या असर पड़ा है? क्या नाली से जो पानी बह रहा था वो बहना बंद हो गया है? आपकी जो सड़क टूटी हुई थी वो बन गई है? आपके अस्पताल में जो डॉक्टर नहीं आ रहे थे वो डॉक्टर बैठने लगे हैं? आपके स्कूल में जो शिक्षक नहीं थे वो शिक्षक आने लगे हैं? मध्याह्न भोजन की क्वालिटी अच्छी हो गई है? वृद्धा पेंशन में अब घूस नहीं लिया जा रहा है? इंदिरा आवास में अब कमीशन नहीं लिया जा रहा है? क्या अब आपको दिल्ली जाने के लिए तत्काल टिकट कटाने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर लाइन में नहीं लगना पड़ता है? आप कहते हैं कि, मुंह से बोलते हैं कि दिल्ली का टिकट दे दीजिए और टिकट मिल जाता है, और जब आप दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए क्योंकि आपके पास यहाँ रोजगार नहीं है तो वहाँ आपका जीवन बदल गया है। वहाँ अब आप जो है किराए के मकान में नहीं रहते हैं, आप अपार्टमेंट के मालिक बन गए हैं। क्या बदलाव हुआ है? इस पे हमको शांतिपूर्ण तरीके से सोचने की जरूरत है। और वो मसला अभी बीता भी नहीं है तो एक नया मसला आ गया है। वो मसला जो है अभी समाप्त भी नहीं होगा तो फिर एक नया मसला आ जाएगा। मैं कहता हूं कि ये जो एजेंडा आज हमारी आंखों में झोंका जा रहा है, इस एजेंडे से अलग हो करके हमको अपने एजेंडे की पहचान करने की जरूरत है। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझ करके, शिक्षा से लोगों को जो महरूम करने की कोशिश की जा रही है, उनको जो उससे हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उस कोशिश, उस साजिश के खिलाफ लग रहे हैं। और कैसे साजिश की गई है? महाभारत का काल आपने देखा होगा। महाभारत में क्या हुआ? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि एकलव्य को हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, हम तुमको धनुष विद्या की शिक्षा नहीं देंगे। काहे भाई? तो तुम राजवंशी नहीं हो। एकलव्य कहा ठीक। एकलव्य गया, गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया और अभ्यास करके, हम लोग हिंदी के किताब में ये कविता पढ़ते थे, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। रेलवे प्लेटफॉर्म पर देख लो घुगनी बच्चा उनक एक हाथ में बाल्टी टांगने रहे छे आ चलते ट्रेन से उतर जितना, और ट्रेनिंग हो गए हैं ओकरा, चलते चढ़ जाए छे, चलते उतर जाए छे, अभ्यास नहीं हो छे। अभ्यास हो छे जे देखबो तीन गो चार गो पाँच गो गाय दुहे वाला लोग छे ओकर हाथ नहीं चढ़े छे। लोग जाए छे जिम में एन्ना एन्ना करे ला, और जो गाय दुहे वाला कभी कभी कस देख लियो हाथ के केना बनल रहे छे। अभ्यास से होता है, अभ्यास से जो है वो बहुत अच्छा धनुर्धर हो गया। द्रोणाचार्य को लगा कि भाई ये तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर हो जाएगा, तो जो गुरुदेव ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया वो गुरुदेव गुरु दक्षिणा लेकर के उसका अंगूठा काट लिए। उस जमाने में गरीब वंचित लोगों को शिक्षा से रोकने के लिए अंगूठा काटा जाता था, इस जमाने में फीस बढ़ा दिया जाता है। आप सोच करके हमको बताइए कि प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाते हैं? हमारे को फुफेरा भाई छथिन बैठल सामने में, बाबूजी मास्टर, माय मास्टर नी, ठीक ना? तो बाल बच्चा से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जेकरा पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेते हैं। आज जो बाबूजी ठेला खींचे छथिन तब ओकर बच्चा खिचड़ी स्कूल में पढ़ल जेते। तो पहले ही ये जो पैसा वाला लोग है वो तो कहो पढ़ लेते, देश में नहीं रहते यूनिवर्सिटी तैयो पढ़ लेते। बड़का बड़का जमींदार पहले ओकर बाल बच्चा लंदन पढ़ल जा रहे कि नहीं? गरीब का बाल बच्चा जा रहे लंदन पढ़े?
पहले ये जो गरीब लोग छे ओकरा पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था से बाहर कर देलकै हैं, जे बचल खुचल चीज छे ओकरो बेचल तैयार छे। किए देखो माहौल केना बनेलकै, की कहे रहे कि भाई साहब नहीं लगेगा BSNL, आप जियो खूब धनाधन होइ छ, फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, मार जियो ले लेना। आप देखो नेटवर्क कहा इन्ना इन्ना छत पर क्या घूमल चले छे, ये जो नहीं नेटवर्क आए हमें वीडियो कॉल कर दे। जब सरकारी कंपनियां नहीं रहेगी तो प्राइवेट कंपनियां भी उसके मुकाबले में आपको अच्छा सर्विस नहीं देगी। याद कीजिए, जब सरकारी बैंक नहीं था तो महाजन किस तरीके से लोगों को लूटता था। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब महाजनी व्यवस्था भी संतुलित हो गई। जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होगी तो प्राइवेट स्कूल भी कंपटीशन में पढ़ाएगा, और सरकारी स्कूल अगर एक एक करके बंद हो जाएगा तो प्राइवेट स्कूल भी आपसे मनमाना करेगा। नहीं कहे छे आजकल प्राइवेट स्कूल कहे छे कि कहां से ड्रेस सिलवाए हैं, हम ड्रेस देंगे। अरे मर्दवा तो पढ़वे स्कूल खोलिए इनकी ड्रेस बनवे, तो दर्जी काम करने पढ़ेवे लोग को, कॉपियों हमारे यहाँ से ही खरीदिए, ड्रेस भी हमारे यहाँ से खरीदिए, सब कुछ आपको विद्यालय से ही लेना पड़ेगा, बैग भी हमारे यहाँ से ही खरीदिए। यह काम हॉस्पिटल में हो कि नहीं, कोनो डॉक्टर साहब बिना जाओ देखवे ले। हम बेसी पुरान बात नहीं बोल रहे, एक बार डॉक्टर को पुर्जा कटवाए ले रहो, फीस 10 रुपया लगे 12 रुपया लगे, पी गुप्ता रहती कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर जो 2 रुपया में इलाज करेगा। आप जो है आपको 15 दिन के भीतर ही डेट एक्सपायर कर जाए छे, डॉक्टर साहब तो ही छे क्लिनिक तोरे छिको तोरे फीस दे दिलियो हन, 15 दिन में डेट एक्सपायर कर दिले, और जॉइंट बुझ के तोरा अगला डेट उस सलाहमत दिल देतो कि अगला बार आओ फिर पैसा दो। ये हो छे कि नहीं? आ खाली डॉक्टरे साहब फीस नहीं ले छथिन, डॉक्टर के सार अस्तूरा लेक बैठल रहे छे गेटे पर, आबो हमरे बिना दवाई ला, हमरे बिना जांच कराओ, किए खेला स्कूल हो रहा है। तो जो गरीब लोग हैं वो तो ऑलरेडी शिक्षा से और स्वास्थ्य से वंचित कर दिए गए हैं। क्या जाए छे ब्लॉक में अपन देखे हुए डिलीवरी आज डेट में गरीबे के मतलब ब्लॉक में हो, जरा थोड़े सन पैसा छे वो देते उनका भी ना इलाज करा गया, पर मिला कम नहीं पता नहीं कौन कौन डॉक्टर था। जरा पैसा छे वो तो बच्चा कहूँ पढ़ा लेते, जरा नहीं पैसा छे वह देते सरकारी स्कूल में पढ़ा। गिनल चुनल गिना चुना जो है अच्छा सरकारी अस्पताल बचा है, अच्छा सरकारी विश्वविद्यालय बचा है, आज उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और क्या माहौल बनाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, आप लोग टीवी पे देखे होंगे कि JNU के भीतर किस बेरहमी से विद्यार्थियों को पीटा गया है। क्या मांग रहे हैं बेचारा, कह रहे हैं कि यह जो बढ़ी हुई फीस है इसको वापस ले लीजिए। तो क्या माहौल बनाया कि कहां ज्यादा बढ़ाया है, 10 रुपया से 300 रुपया बढ़ाया है। ये झूठ है, ये बेईमानी है। मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आया हूँ PhD करके, मैं आपको बताता हूँ। अभी हर स्टूडेंट को प्रति माह 3,3200 रुपया खर्च होता है, इसके बाद जो फीस बढ़ाई गई है उसमें 7,000 से लेकर 8,000 रुपया उनको प्रति माह खर्च करना पड़ेगा, और आप पूरे साल को जब देखेंगे तो लगभग 70,000 रुपया उनको खर्च करना पड़ेगा। ईमानदारी से आप सोच करके बताइए। मैं अपना उदाहरण एक मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, हमारा आजकल लोग कहते तुम आप कौन गरीब छा, तो हमें अपन उदाहरण छोड़ दीजिए। लेकिन आरो ई देश में आंगनबाड़ी छे कि नहीं, ओकर बच्चा पढ़ल चाहे छे कि नहीं, किसान मजदूर छे कि नहीं, ठेला रिक्शा चलवे वाला लोग छे कि नहीं, ओकर बच्चा अगर टैलेंटेड हुए ओकरा मेरिट हुए, खैरात में तो किसी का एडमिशन होता नहीं है, ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन को जो कम्पीट करता है उसके बाद उसका उसमें एडमिशन होता है, और जो एडमिशन होगा तो जो परिवार की मासिक आमदनी 10,000 रुपया है वो एक बच्चा पे 7,000 से 8,000 रुपया कैसे खर्च करेगा, स्वाभाविक रूप से वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप पहले ही गरीबों को बाहर कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ PhD करने में 10 लाख रुपया लगता है। सरकारी यूनिवर्सिटी से जो बच्चे PhD कर रहे हैं आप उसको भी उसका पढ़ने का अधिकार उससे छीन लेना चाहते हैं। तर्क क्या दे रहे हैं, वहां एंटी नेशनल पैदा होता है। एक बात सोच करके बताइए,
कि अगर उस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल फायदा होता है तो हर साल राष्ट्रपति उस यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड क्यों देते हैं इंटरनेशनल फायदा करने के लिए। देश का मान सम्मान अभी बढ़ा है पूरी दुनिया में कि एक भारतीय आदमी को नोबेल पुरस्कार मिला है, वो तो जेएनयू से ही पढ़ा हुआ है, और आप कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल पैदा किया करता है। तो दो दो मंत्री मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं, वो भी इंटरनेशनल है क्या? वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, वो भी जेएनयू से पढ़े हुए हैं। आप किसी भी विभाग में जाकर के देख लीजिए, जो सबसे बड़े पद पे आपको पदाधिकारी मिलेगा वो जेएनयू से पढ़ा हुआ आपको मिलेगा। और अभी बिहार में जो बीपीएससी के तहत लोगों को नौकरी दी गई है, 250 से ज्यादा जेएनयू के विद्यार्थी बिहार के विभिन्न कॉलेजों में आकर के वो अपनी सेवा दे रहे हैं। जीडी कॉलेज का मैं उदाहरण आपको देता हूं कि इस जीडी कॉलेज में जो जेएनयू से पढ़ करके विद्यार्थी आए हैं, उन्होंने कहा कि हम बैठ के पैसा नहीं लेंगे। तो जो पहले से टीचर थे वो बोले कि यहां पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को पढ़ाइए मत, यहां बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता है, परीक्षा देने के लिए आता है। तो बोला कि बच्चा अगर नहीं आएगा पढ़ने के लिए, बच्चा क्लास में अटेंडेंस नहीं लगाएगा तो हम उसका एग्जाम भी नहीं लेंगे। फिर बच्चे जो हैं वो इन शिक्षकों के पक्ष में खड़ा हुए और उनको धन्यवाद दिया कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके आने के बाद यहां पर रेगुलर क्लास होना शुरू हो गया है। जानबूझ करके इन सरकारी संस्थानों को तबाह किया गया। क्या बोले? ये बहुत खराब जगह है, बहुत बेकार जगह है। एक तो देखिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। नेता सबको आज सबसे बड़ा समस्या ये है कि उसके आंख में शर्म बचा ही नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये वही आदमी है जिनके पड़ोसी ने कहा कि पहले तो बड़ा हालचाल पूछते थे, जब पानी भर गया घर में तो चुपचाप चोर की तरह भाग गए और हमको छोड़ दिए। ये पड़ोसी बोला उनका, जो बाढ़ में पटना की जनता को डूबता हुआ छोड़ करके भाग गया हो वो दूसरे यूनिवर्सिटी के ऊपर ज्ञान दे रहा है। तो मैं पूछता हूं कि जिस बिहार के आप मुख्यमंत्री हैं, उस बिहार में यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? 20,000 विद्यार्थी और 10 टीचर। जिस पटना यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हैं, उस पटना यूनिवर्सिटी को कभी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उस यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? आप दूसरे यूनिवर्सिटियों में घूम करके देख लीजिए कि 3 साल का बीए का कोर्स 5 साल में लोगों को डिग्री दी जाती है। जानबूझ करके सरकारी संस्थानों को तबाह कर दिया गया। और इस नीति के खिलाफ सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ जेएनयू में नहीं, भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, दुनिया के अलग अलग देशों में छात्र रोड पे खड़े हैं। शिक्षा के सवाल को लेकर के जहां राजनीतिक दल अपोजिशन की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है, वहां विद्यार्थियों ने अपोजिशन का भूमिका निभाने का जिम्मेवारी निभाया है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो हमारी दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं, जो शिक्षा का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, जो किसानों के फसल के दाम का सवाल है, नौजवानों के काम का सवाल है, हिंदू या मुसलमान हो उसके आत्मसम्मान का सवाल है, इस पे हमको एकजुट होने की जरूरत है।